हाय गाइस, कैसे दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप शेविंग कैसे की जाती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भाई शुरू से हमारे को बताओ इसको कैसे की जाती है और उस तरह को कैसे पकड़ा जाता है। अगर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी शुरू से लेकर तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास है जी वाला उस्तरा, ठीक है। मैंने ब्लेड डाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा अंदर रखना है ब्लेड को, ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा अंदर रखना चाहिए। अगर ऊपर ज़्यादा ब्लेड होगा तो ठीक है, लगने का भी डर होता है, ठीक है। इसको ध्यान से लगाना है आपने, ठीक है। मेरे पास पहली बात होता है ना, आप उस तरीके ऐसे पकड़ना है। जो मेन बात होती है ना, जो चार फिंगर जे वाले होते हैं यहाँ पर होना चाहिए। जो अंगूठा होना चाहिए आपका कहाँ पर होना चाहिए, जो अंगूठा वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जे वाला होता है जो लॉक होता है, समझ लो लॉक ही है, ठीक है। हमने उसके बाद जो जी वाला होता है, ठीक है, उसको हमने पीछे वाले से लॉक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ इसीलिए दी जाती है कि लॉक करने के लिए। जी वाली आप देख सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, जी वाली लॉक करने वाली होती है, ठीक है। अगर हम वहाँ पर चार फिंगर लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर लॉक हो गया, ठीक है। इसको सॉफ्ट रखना है। अगर इसको सॉफ्ट से धीरे धीरे नहीं चलाएंगे ना, अगर टैड चलाएंगे तो दिक्कत होगी, कस्टमर को भी हमारे को भी दिक्कत होती है ना। फिर हमने करना वहाँ से दो फिंगर वहाँ से लगाना है, ठीक है। एक वाला ऊपर होगा तो दो इंच चीज़ में होगी तो पीछे होगा लॉक, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से रखना, आपने ऐसे चलाना, ठीक है। पहली बात ऐसे चलाना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अगर कोई बंदा देखेगा अगर बोलेगा नहीं यार बंदा नया नहीं सीख रहा है, थोड़ा सा बहुत पुराना हो चुका, ठीक है। आपने दोस्तों तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म लगाना है, ठीक है। नरम करने वाली बहुत क्रीम आती है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नरम करके उसके बाद आपने फॉर्म लगा दी। मैंने ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए। मैंने इसलिए बताया नहीं आपको क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, ठीक है। क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे यार तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इसको ऐसे साफ़ कर लेना, ठीक है। ऐसे साफ़ कर लेना आपने, ठीक है। जितना भी खत रखना होगा ना आपने उतना रखना है, ठीक है। अगर बड़ा रखना होगा तो नीचे से काटना है, अगर छोटा रखना होगा वहाँ से काट देना, ठीक है। हमने ये करना है अंगूठे की मदद से हमने करना जो करना है, ठीक है। इसको अगर दाबोगे आपकी शेविंग बहुत अच्छी होती रहेगी। पहली बात ध्यान रखना, कभी भी उस तरह को चलाना होगा, ठीक है, हल्का लटा के चलाना ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे खड़ा चलाओगे तो फिर वहाँ पर कट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे चलाना, देखो अंगूठा, देखो मेरा मैं क्या कर रहा हूँ, अंगूठे को देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अरे आपने ऐसे करना, तो ये वाला पार्ट होगा उसको ऐसे नीचे ऐसे घी देना, ठीक है, आपने ऐसे करना। तो दूसरा ये वाला पार्ट आ गया ना, उसके बाद क्या करना हमने, इसको बड़े ध्यान से लगाना, कभी कभी अटकने भी लग जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलाना। उसके बाद आ गया जी वाला, मैं सिर्फ उस तरह देखो कैसे चला रहा हूँ, उसको देखो, उसको आप फॉलो करो कैसे चला रहा हूँ मैं, ठीक ठीक है। उसके बाद क्या करना हमने, ऐसे इसको जितना मास खींचोगे ना आपका उतना फ़ायदा है, क्योंकि फिर पता नहीं लगेगा शेविंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मुझको आपने ऐसे साफ कर लेना, ठीक है, वहाँ से काट देना, ठीक है, वहाँ से हमने काट दिया, ज़्यादा नहीं जानेगी काटना। उसके बाद वहाँ पर जो जी वाली मेन चीज़ होगी ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो नीचे वाले बाल कभी कभी होते हैं, कई बंदे कहते हैं कि यार हाँ पर लग रही है ना, इसको भी साफ़ करो, हैं, उसको कैसे करना है, इसको पहले हल्का ऐसे साफ़ कर लेना, ऐसे ही देखो उल्टा चलाना इसको, उल्टा जो नीचे वाले जी वाले साइड में बाल होंगे ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे, पर ध्यान से चलाना, वहाँ से एकदम सीधा नहीं खड़ा करना, ठीक है। उसको हल्का लटा के चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर सीधा नहीं चलाओगे तो फिर दाढ़ी फट भी जाती है, जिसको बोलते हैं ना कट जाती है। उसके बाद करना है जी वाला, नीचे आ गया, उसके बाद बंदे को बोलो ऊपर करो, ठीक है। उसके बाद जी वाला इधर आ गया, इसको नीचे खींच दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम वहाँ से शेविंग करते हैं ना, वहाँ वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमने इसको हल्का साफ करके उसके बाद ऐसे उठाते थे हम, ठीक है, ऐसे उठाते थे हम लोग, ठीक है। वो वाला पार्ट नहीं किया हमने क्योंकि हमने साइड में खींच दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आ गया जी वाला, जैसे हमने इस साइड में किया भाई उस साइड में भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इस साइड में नहीं, मैं कभी कभी ये भी देखा हूँ, जो मेरे पास लड़का काम करता है ना उस साइड में खड़के करता है, उसको मैंने बोला मैं इस साइड में खड़के किया जाता है, ठीक है, उस साइड में नहीं खड़ा करना, ठीक है। जैसे हमने उस साइड में खत रखा, ठीक है, इतना ही रखना। देखो मैं कैसे उस तरह को चला रहा हूँ, ठीक है, हमने ऐसे चलाना है, ठीक है। और ए वाला भी हमारा आ गया, हाँ से इसको ऐसे हमने साफ़ कर देना भाई, जितना मास को खींचोगे उतना ही आपका फायदा, ठीक है। आराम आराम से चलाओगे आपका फायदा ही है, यानी कट नहीं लगना चाहिए,
जैसे हमने उस वाले साइड में मुझको हल्का बरबर रखा, इसके हिसाब से रखना, इसके हिसाब से, ठीक है। हल्का अगर बड़ा भी हो जाएगा उसके बाद आप सेटिंग शूटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एक करना हमने जी वाला थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ लेना। कभी कभी क्या होता है वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आती बंदों को, क्योंकि करने में, ठीक है, बंदा कभी कभी क्या करता है ऐसे ऐसे करके इसको रगड़ देता है, ठीक है, वहाँ पर जलने भी होने लग जाता है, पर वो चीज़ नहीं हमने करनी। इसको करना हमने टाइट करना दोनों साइड में, टाइट ये चीज़ टाइट करनी है हमने, ठीक है। ऐसे हमने इसको साफ कर देना अपने भाई। मेरे पे ना एक कमेंट भी आया था, एक नहीं बहुत आते वैसे कमेंट, ठीक है, जो साहिल भैया जे वाला है हम उसको कैसे करेंगे, हमारे को दिक्कत होती है यहाँ पर। भाई आपने कहना अगर दाढ़ी टैट होगी, मैं पिछली वीडियो में भी बता रखा, शेविंग वाली वीडियो मैंने बनाई है, अगर नहीं देखी वो देख लो, ठीक है। उसमें मैंने बताया था अगर ये चीज़ मतलब ज़्यादा दाढ़ी टाइट है हमारी, ठीक है, वहाँ पर हल्का हल्का पानी लगा के उसके बाद इसको उठा दो, ठीक है भाई। इसको उठाना कैसे, चार उंगली लेना, ठीक है, ऐसे अप डाउन, जैसे अप डाउन होता नहीं ना, हम उसे करेंगे इसको, ठीक है, देखो, ठीक है, हमने ऐसे निकालना इसको, यानी कि बड़े प्यार से निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है वहाँ पर, कभी कभी क्या होती है वहाँ पर भी लग जाता है, वहाँ पर भी लग जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लगाना। तो उसके बाद आ गया जी वाला हमारा, इसको ऐसे नीचे खींच देना हमने दोस्तों, नीचे वाला होगा हमने करना, जो जी वाला होगा ना पार्ट, अगर जी वाला साफ करोगे तभी नीचे ऐसे खींच पाओगे, ठीक है। देखो हमने ये करना, इस वाले को आपने ऐसे साफ कर लेना, जब आपका ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है, फिर तभी आप ऐसे नीचे खींचोगे, देखो आराम से खींच लोगे फिर ऐसे तो, ठीक है। इस साइड में भी आपने ऐसे दो चार फिंगर हाथ से लगा लेना, ठीक है, उसके बाद आपने इसको नीचे खींच देना है, ठीक है सर, बड़ा आसान है तरीका, ठीक है, देखो ऐसे करना, ठीक है यार, वीडियो बढ़िया लगती है यार, लाइक जरूर कर देना यार। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, आपने ऐसे कर देना, ठीक। ये तो हमारी शेविंग हो चुकी है, आपने ऐसे ही करनी है। अब हम करेंगे खत को सेट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे मूंछों को, हल्का हल्का पानी लगा लेंगे हम, हल्का हल्का पानी लगा के मूंछों पे हल्का हल्का लगाना है। ऐसे हमने हल्का हल्का लगाना है, जो बड़ी होगी ना हल्की सी उसको हमने ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ गया हमारा, उसको भी हमने ऐसे करना है, ऐसे इसको काट देना, ठीक है। अगर आपको बड़ा लग रहा होगा ऊपर से हल्का कलर सा मोटा लग रहा होगा, थोड़ा सा दोनों साइड में ना आपने दोनों साइड में चेक कर लेना, और छोटा बड़ा ना हो, कभी कभी क्या होता है इस साइड में पतली हो जाती है उस साइड में मोटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा खत, तो हम ऐसे सही करेंगे, ठीक है, तो हर कलर का पीछे लगा देंगे ऐसे, इस साइड में भी हमने ऐसे ही करा, ठीक है, ऐसे ही करना, जिस जैसे हमने इस साइड में किया इस साइड में भी हम ऐसे करेंगे, ठीक। उसको बड़ा होगा तो काट देना, जो साइड साइड में बाल आते होंगे ना, जो साइड साइड में बाल आते हैं, देखो जो साइड साइड में बाल आते हैं उसको क्या करना, हमने मेरे पास कंघी और कैंची है, ठीक है, छोटी वाली, जो आते होंगे इसको ऐसे बाहर करके काट देना। उसके बाद इस साइड में भी हमने ऐसे ही करना, ठीक है, ऐसे देखो बाल को ऐसे कर दिया, ठीक है। मूंछों का क्या करना है, हमने मशीन के साथ भी आगे के बाल काट सकते हैं, मैं कैंची के साथ बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमने मूंछ छोटी नहीं करनी है, ठीक है, मूंछ छोटी नहीं करनी है हमने, हमने ये करना है कैंची का मुँह उतना खोला जाता है भाई जितने ही हमने आगे वाले बाल काटने हो, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। हमने ये करना है ऐसे काट देने हैं, ये वाले हमने ऐसे काट देने हैं, सिर्फ आगे आगे वाले बाल हम काटेंगे, ठीक है। अगर हल्के हल्के खड़े दिख रहे होंगे उसके बाद हमने ऐसे काट देने हैं, ठीक है, और इस साइड में भी हम ऐसे काट देंगे, ठीक है। लो जी हमारी दाढ़ी तो हो चुकी है, अब हम मारेंगे पानी,
उसके बाद लगाएंगे फटकड़ी, ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। अच्छी तरह से लगा देना, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे कोई भी तो लगा देंगे, क्रीम लगा देंगे, ठीक है, टेस्टी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे इसको मसाज कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपने इसको मसाज कर देनी, और हम करेंगे इसको साफ, बंद कर देंगे। हम लगाएंगे, हम टिश्यू पर साफ करेंगे इसको, अच्छी तरह से इसको टिश्यू पेपर से आपने साफ कर देना, ठीक है। अब मारेंगे हम स्प्रे यानी कि लोशन, ठीक है। इसके बाद हल्का हल्का हम उसको लगा, हमारी शेविंग हो चुकी है। आज इसको कैसे लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस प्लीज जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिलते रहे। साहिल लुधियाना यात्री इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर कोई भी भाई मेरे से बात करना चाहता है, ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ओपन करके सीधा इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, ठीक है। आपके मैसेज करें प्राइस बहुत जल्दी मिले, जब तक के लिए इतने, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।